नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे राजस्थान के आने वाले बजट को लेकर कि आखिरकार प्रदेश की जनता को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि केंद्र का बजट आ चुका है। ऐसे में वसुंधरा राजे सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इंतजार इसलिए भी है क्योंकि ये लोक लुभावना बजट होगा, जिससे लोगों की अधिक से अधिक उम्मीदों के पूरा होने की उम्मीद है। इसी संदर्भ में चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है सचिन कुमार जैन जी, जो बीजेपी नेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। आपका स्वागत है सचिन जी। शिवजीलाल मीणा जी है, कांग्रेस नेता है, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी है। शिवजीलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से सचिन जी, क्या लगता है जो राजस्थान की जनता की उम्मीदें हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जब किसी भी सरकार का अंतिम संपूर्ण बजट होता है तो उससे जनता की उम्मीदें ज़्यादा होती है। उनको लगता है कि इस बजट में उनके लिए कुछ न कुछ होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लंबे समय से सभी वर्गों से चर्चाएं की है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, सभी वर्गों से चर्चा करी है और करने के बाद में वो बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर, और क्योंकि आप भी जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, व्यापारी वर्ग से आपका लगातार जुड़ाव भी रहता है, आप लोगों ने भी काफ़ी सुझाव दिए होंगे, किस तरह के बजट की उम्मीद आप लोग करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आपसे। धन्यवाद नीरज जी। जैसा कि मैडम ने खुद ने कहा कि ये बजट जो होना है बहुत संतुलित होगा और विकासोन्मुख होगा। हमारा जो यूनियन बजट अभी पिछला पेश हुआ है, उससे भी आपको ये पता चल ही गया है कि हम विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी मोदी सरकार का प्राइमरी एजेंडा विकास ही है, देश का विकास करना ही है। उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार भी अपना बजट प्रोग्रेसिव और क्या है, संतुलित बजट पेश करेगी। बिल्कुल, सचिन जी ने कहा कि राजस्थान सरकार भी, केंद्र सरकार का बजट जिस तरह का आया है, वाकई में किसान और उसके लिए सभी वर्गों के लिए राहत देने वाला था। और राजस्थान का बजट भी इस बार जो का विकासोन्मुखी होगा और लोगों को जो है लुभाने वाला भी होगा, क्योंकि सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखने वाला बजट होगा, ऐसा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा। मीणा जी, आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है इस बार फुलफिल कर पाएंगे बजट में? क्योंकि जनता की उम्मीदें ज़्यादा होती है जब बजट इस तरह का आता है, तो लोगों को लगता है कि इस बार तो उनकी सब मांगें पूरी होगी। आपको क्या लगता है? देखिए जी, मुख्यमंत्री जी खुद जो है वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगी और उनसे जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जो है मोदी सरकार का जो बजट आया उसमें कर्मचारी व्यापारी सभी निराश हुए हैं। और जो है इस बजट में जो है सबसे जो मैं बात कहना चाहूँगा, जो उनको जिन बातों पर बजट प्रस्तावों का जोर देना चाहिए, सबसे पहला तो यूथ के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने का पहली प्राथमिकता बने। उसके बाद किसानों को जो है कर्ज माफी के जो है प्रयास हो। इसके अलावा जो है महिलाओं का सशक्तिकरण, बढ़ते अपराधों पर अंकुश के लिए पुलिस को जो है ये ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो है बजट प्रस्ताव हो, इस तरह की अपेक्षा रखते हैं। बिल्कुल सचिन जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है और कई जो बातें कही है वाकई में यह प्रदेश के लोगों की आवश्यकता है। युवाओं के रोजगार की बात कही है और युवाओं के रोजगार के लिए कुछ न कुछ बजट में होना चाहिए। और जिस तरह का जो है अपराधीकरण बढ़ रहा है, उसी हिसाब से पुलिस में भी आधुनिकरण के लिए सरकार को बजट में कुछ देना चाहिए, जिससे कि अपराधियों पर नियंत्रण हो, पुलिस महकमा बढ़े, उसमें जो नई नई नफरी आए और वहाँ सुविधाओं का विस्तार होगा तो अपराधों पर नियंत्रण होगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह मीणा जी कह रहे हैं कुछ इस तरह का है, उम्मीद है आप भी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम मीणा जी की बातों से बिल्कुल सहमत हैं और हम यही कहेंगे कि हमारा जो ये बजट होगा वो महिला के विकास के लिए होगा। वुमन एम्पावरमेंट हमारा मेन मुद्दा है, यूथ के विकास के लिए होगा। यूथ को जो नौकरियां दी जा रही है उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पहली बार राजस्थान में ही स्थापित हुई है पूरे देश में, तो हम SDLC के थ्रू बहुत सारे युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा ही हम GST के लिए भी, हमने युवाओं को एक सर्टिफिकेट कोर्स राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया है ताकि वो GST की बारीकियों को समझ सकें और उसमें भी वो रोजगार के अवसर निकाल सकें। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि नारी शक्ति जो है वो मातृशक्ति है, जानना चाहूंगा दर्शकों को, आप बताना चाहेंगे कि GST कोर्स क्या है और कौन लोग कर सकते हैं और किस तरह के युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा, और क्या व्यापारियों के लिए जिस जो GST कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होंगे? बिल्कुल, मोदी जी ने अगर आपको ध्यान हो तो अपने एक किसी संस्था के समाज पटल से कहा था कि हमें ऐसे 1,00,000 बालक को तैयार करना है जो कि आपके गांव से, आपके शहर से आपके रिटर्न भरने में आपकी सहायता करेगा।
उसी बात को लेखते हुए हमने ये उद्यमिता विकास निगम के साथ में मिलके एक जीएसटी को लेके कोर्स की भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो भी बीकॉम वाला बालक है या जो सीए या सीएस के लेफ्ट आउट है, यानी जिन्होंने सीए सीएस करना शुरू किया था मगर उन्होंने वहाँ पे किसी कारणवश छूट गया, वो उनसे वो पूरा नहीं कर पाए, उनके लिए प्राथमिकता रहेगी कि उनको जीएसटी का एक सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान किया जाए, जिससे उसमें जीएसटी की बारीकियाँ उनको समझाई जाए। और ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन बहुत ही न्यूनतम मूल्य पर किया गया है, अधिकतर सारा खर्चा इसमें सरकार ही उठा रही है, तो हम ये मानते हैं कि वो लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। और 1 लाख अगर जीएसटी के हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट सरकार के द्वारा कोर्स करके बनाए जाएंगे, तो हम ये मानते हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मिशन रहेगा और नए लोगों को जीएसटी में, नए छोटे व्यापारियों को रिटर्न भरने में काफ़ी हद तक सहायता भी पहुँचेगी। युवाओं को रोजगार की बड़ी उम्मीद है शिवजीलाल जी। मैं आपको अर्ज करूँ नीरज जी, आज युवाओं की हालत ये है कि सेक्रेटरीट तक जहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री विराजते हैं वहाँ जाके 6-6, 7-7 छात्र जो है टंकियों पर चढ़ रहे हैं, कई छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो ये तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है फसल बीमा योजना का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ये सारी चीज़ें हैं जो है लोक लुभावन ही नहीं हो, इनमें बजट प्रस्ताव तो हो ही बल्कि इनकी सफल क्रियान्विति का बीड़ा भी सरकार उठाए, वित्तीय स्वीकृतियां भी हो, आपका मानना ही है। तो क्यों सचिन जी, ये जो रोजगार की बात कही जा रही है, कुछ लोग इसको सिर्फ सरकारी सेवाओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि सरकार इसको कौशल विकास से जोड़कर देखती है कि हमने जो ट्रेनिंग दी है वो भी रोजगार करेगा। जो अभी इन दिनों चर्चित है मोदी के पकौड़े, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भी कुछ नहीं। मैं वही कहना चाहूंगा कि सर हमारा जो मानस है वो है हमें नौकर पैदा नहीं करने हैं, हमें स्वरोजगार वाले युवा पैदा करने हैं जो खुद अपने बलबूते पे सरकार को और देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। नौकरी करने वाले लोग, जो कि सब लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी तो बहुत कम लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है और हमारे हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन लगा दी जाती है, तो उसका हमें संवैधानिक रूप से ही उनका अनुपालन करना पड़ता है। मगर स्वरोजगार ऐसी चीज़ है जो आदमी अपने खुद के कौशल से कर सकता है। हमारे राजस्थान में मारवाड़ी समाज में बिल्कुल स्वरोजगार के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में मारवाड़ियों ने अपना नाम कमाया है और हम राजस्थान सरकार का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जिस तरह के कदम उठाए हैं और कौशल विकास को लेकर जितना उन्होंने अपने लिए किया है उतना वो एक अच्छा आयोजन भी है, और साथ ही हम ये जानते हैं कि युवा इसके लिए बहुत तत्पर भी हैं। रिसेंट में ही हमने एक ऐसा यहाँ पे सेमिनार भी किया था, कौशल विकास से जोड़कर ही कौशल विकास को भी जोड़ा जाएगा और वो भी एक तरह से रोजगार, लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया है। आप लोगों का क्या कहना है, सिर्फ सरकारी नौकरियां पहले ही, क्योंकि सरकार ने कहा कि नौकरियां देंगे तो सरकारी नौकरियों को ही ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए, या स्वरोजगार को भी आप इस श्रेणी में मानेंगे मीणा साहब? नहीं साहब, स्वरोजगार को वरीयता दी जानी चाहिए इसमें कोई, लेकिन कौशल विकास के नाम पर सिर्फ अफसरों की जेब में भरें ये नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज प्रदेश में लाखों बेरोजगार युवा जो है, कई हालात यहाँ तक हो रहे हैं, मैं मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कि लड़के और लड़कियों की रोजगार के अभाव में पीले हाथ होने में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं परिजनों को। तो जब उच्च शिक्षा प्राप्त करके लाखों रुपए वो खर्च करते हैं, अभी कल तिवाड़ी जी ने विधानसभा में कहा कि 60,000 से ज़्यादा तो कोर्ट कचहरियों में अटक रही हैं, 2-3 लाख बेरोजगार युवा राजस्थान में है। तो अब ये चीज़ें सरकार का लोक कल्याणकारी दायित्व है, सरकार अगर ये इस इश्यू पर नहीं प्रस्ताव लाएगी तो युवा बेरोजगार में तनावग्रस्त रहेंगे और प्रगति जो है विकास में बाधा, राजस्थान के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। सचिन जी, बहुत अहम सवाल उन्होंने उठाया कि युवाओं के जो पीले हाथ होने से भी रुकावट पैदा हो रही है, बच्चे बच्चियों की शादियाँ इस चक्कर में नहीं हो रही है कि कहीं उनकी नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, बीए एमबीए उन लोगों ने कर रखा है, डिग्रियां वो लगातार हासिल कर रहे हैं, और डिग्री हासिल करने के बाद यदि उनसे कोई कहे कि वो जो है स्वरोजगार के नाम पर कहीं छोटी मोटा अपना दुकान या छोटा मोटा थड़ी ठेला लगा ले, तो कहीं ना कहीं उसको लगता कि मैंने जो डिग्री की है उस डिग्री के मायने क्या है, कहीं ना कहीं फिर अगर यदि उसे यही सब कुछ करना था तो 10वीं 12वीं पास करके भी इन सब चीज़ों में जुड़ सकता था। सचिन जी, आप सीए हैं। हाँ बिल्कुल सर, उसी दृष्टि से बताता हूँ कि आज की डेट में स्वरोजगार या खुद का इनोवेटिव आइडिया लेना, जिसको हम स्टार्टअप कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा होगा भारत के बाहर में
फेसबुक जैसी चीज़ें या अपन ऊबर जैसी चीज़ें या ऐसा जो चीज़ जो टेक्नोलॉजी बेस है जिसमें कि कहीं पे भी नौकरी लेने और लगाने वाली बात नहीं है, बस अपना खुद का एक माइंड आइडिया जो कि पढ़ाई लिखाई से ही आता है। आप बिल्कुल सहमत होंगे इस बात से कि आदमी जितना पढ़ता है, MBA लेता है, डिग्री करता है, CA करता है, तो उसका सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है और वो उस तरीके से उस चीज़ को आगे प्रस्तुत करता है और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश भी करता है। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टअप्स के थ्रू हम स्वरोजगार को बहुत आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये लगभग 10 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया जा चुका है, जो कि सरकारी आंकड़े भी बताते हैं, यूनियन बजट के अंदर भी इस बात का खुलासा किया गया था। तो हम जो मुद्रा लोन देते हैं वो बिना सिक्योरिटी के लोगों को अपना रोजगार पैदा करने के लिए देते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। तो एक तरह से हम संसाधन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आज के युवा को रोजगार मिले, आज के युवा को अपने स्वावलंबन के साथ में, अपने स्वाभिमान के साथ में काम करने का मौका मिले और वो युवा अब देश की शक्ति में आगे बढ़कर विकास की ओर अग्रसर हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये वर्तमान सरकार भी, राजस्थान सरकार भी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को विकास के लिए जो भी भरपूर कदम करेगी, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 50% से ज़्यादा यानी लगभग 60% के आसपास युवा शक्ति है जो 35 साल से कम उम्र की है और पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा एक युवा मार्केट कहीं नहीं है। हम देखेंगे भारत की जो इकोनॉमी है बहुत ही ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अहेड द वर्ल्ड। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 6.6%, जबकि भारत की इकोनॉमी रेट आ रही है ग्रोथ रेट 7.8% की, और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी रेट चलती है 3.9% के आसपास ही। तो हम इकोनॉमिक रूप से बहुत अच्छे ग्रोथ पे हैं, 10वें स्थान से 5वें स्थान पे आ चुके हैं। इकोनॉमिक रूप से भारत लगातार अग्रसर है, बढ़ रहा है लगातार, लेकिन इसका असर अभी देश और प्रदेश की जनता पर नजर नहीं आने लगा। हो सकता है इसके दीर्घकालीन परिणाम हो, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात करते हैं मुद्दा है गर्म में, राजस्थान के बजट से लोगों की उम्मीदें। मीणा जी, इन्होंने कहा कि स्वरोजगार को लेकर काफ़ी कुछ घोषणाएं होने वाली है। आपने किसानों की बात की थी, किसानों को लेकर केंद्र सरकार ने काफ़ी कुछ घोषणाएं की है। किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा राजस्थान में सबसे बड़ा है और आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा भी शायद यही होने वाला है। आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? मैं आपको अर्ज करूं नीरज जी, एक तो जो मोदी जी की सरकार है या जो राज्यों में इनकी BJP की सरकारें हैं, उनको दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे UP में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, महाराष्ट्र में किया, कई जो BJP शासित राज्य हैं उनमें किया, और राजस्थान में कितने दिन से किसान सड़क पर हैं। वसुंधरा सरकार बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में बैठी है, किसानों के आत्महत्याएं करने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, चाहे देश को ले लीजिए चाहे राज्य को ले लीजिए। अब लोक लुभावन आप बजट पेश करेंगी तो किसान तो वैसे ही परेशान है। पहले जो 13 जिलों में जो है अकाल पड़ा या हालात खराब हुए, फसलें बर्बाद हुई, उनका आज तक मुआवजा नहीं मिला। विपक्ष बार बार में विधानसभा में जोर देकर सरकार को चेता रहा है, सरकार की आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही हैं। ये तो बिल्कुल मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, खनन घोटाला, कोई नर्सिंग घोटाला। अब आप बताइए, लोक लुभावन बजट अगर ये पेश करेंगे तो प्रदेश की जनता कहाँ फिर वो परेशान नजर आएगी। मैं जो कहना चाहूँगा, अभी जो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल ये बात नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि पकौड़े बेचे युवा पीढ़ी। अब बताइए, पकौड़े बेचे, वो तो अनपढ़ भी बेचारा पकौड़े बेच सकता है। फिर ये उच्च शिक्षा प्राप्त करके डिग्री डिप्लोमाओं का क्या औचित्य है, जो लोग लाखों खर्च करके डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं और बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं। सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए, फिर कैसे युवा पीढ़ी देश के विकास और प्रगति में मददगार बन सकेगी जब ये हालात रहेंगे। मीणा जी ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है कि क्या हाईएस्ट डिग्रियां हासिल करने के बाद भी यदि व्यक्ति कोई काम करे तो फिर उस डिग्रियां हासिल करने का औचित्य क्या रह जाता है? सर, ये अपन वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिग्री हासिल करने के बाद में अपने प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है। अगर किसान अगर अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो इरिगेशन की नई फैसिलिटी यूज़ करना सीखता है, वो अपने नई तौर तरीकों से वाकिफ होता है, उसको कृषि बीमा का सदुपयोग करना आता है और कई सारी तरीके हैं। हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा आगे पढ़े लिखे और देश के विकास में सहयोग करे। हम भारत के लोग हमेशा, आज अपन ये देखें कि भारत का हर नागरिक
भारत के विकास के लिए हमेशा अग्रसर होना चाहता है, बशर्ते कि जो पैसा दे रहा है वो सही काम में आए, वो सही जगह पहुंचे। और हम टैक्स देके भी अगर खुश हैं तो सिर्फ इसलिए खुश हैं, नोटबंदी में भी लोगों ने साथ दिया तो सिर्फ इसलिए दिया कि वो देश के भले के लिए कोई कदम था। अगर आप बात करते हैं कि मोदी जी का कहीं भी अगर चुनावी एजेंडा होता या लोक लुभावन बजट की बात होती तो इस बजट में ऐसी कई ऐसी घोषणाएं हो सकती थी जिनका धरातल से कोई लेना देना नहीं होता, मगर ये सबको पता है कि जो मोदी जी ने कहा है वो एक्चुअल फिगर्स हैं, वो आंकड़े ऐसे हैं जिन पर विश्वास किया जाएगा और उन पर अमल भी किया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर। इनकम कैसे आती है वो आपको ही पता है, वो करों से ही आएगी। कर कौन से हैं, हमारे पास तीन तरह के ही कर हैं, डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर और ये जो राजस्व अन्य तरीकों से वसूल किया जाता है। डायरेक्ट कर के बारे में अपन बात करें तो अभी मोदी जी की नोटबंदी के स्टेप के बाद में करीबन 1.8 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ के आसपास लोग बढ़ चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में, तो वो टैक्स हमें मिल रहा है। उसके अलावा अगर हम जीएसटी की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स एरा में जितने आज तक 17 एक्टों में रजिस्टर्ड थे और उनसे जो इनकम आ रही थी उसका मोर देन 50% इंक्रीज हो चुका है जीएसटी आने के बाद में, जीएसटी के प्रभावी रूप से लागू करने के बाद में। तो इससे हम देखते हैं कि हमने हमारे आय के स्रोतों को बढ़ाने के लिए पूरे कदम उठाए हैं और हम उस आय को समुचित रूप से उपयोग करने के लिए तत्पर हैं। जैन साहब, चुनावी वर्ष में सरकार से बहुत उम्मीदें होती है जनता को। बिल्कुल मीना जी, चुनावी वर्ष है। अभी इन्होंने बंधु ने कहा कि जो है जीएसटी से मोदी जी की अच्छी नीति थी। अभी 3 उपचुनाव हुए हैं राजस्थान में और इन 3 उपचुनावों में 39 लाख वोटर थे। 17 विधानसभा सीटों में बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया इनका। अब विधानसभा में कल परसों से जो बहस कर रहे हैं, खुद पक्ष जो है बीजेपी के जो एमएलए हैं वो एक्सपोज, मतलब वो खुद खुलकर ये बात कह रहे हैं कि जीएसटी का और नोटबंदी का नुकसान हुआ है इन उपचुनाव में। मैं इस बात से सहमत नहीं। अभी इन्होंने कहा कि उनकी जो नीतियां हैं जीएसटी की और नोटबंदी की उससे उन्होंने व्यापारी या लोग खुश हैं। अगर खुश होते तो ये हालात नहीं होते। आपका तिवारी जी खुल के बोल रहे हैं, बाकी आपके सांसद इनकी जो संगठन की और सत्ता की जो मीटिंग हुई है उनमें एमएलए ने कहा, कोटा ने, कोटा के एमएलए ने तो एक ने यहां तक कहा कि डूब मरना चाहिए आपको। तो ये हालात जब हो रहे हैं तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरह का लोक लुभावन बजट, आप टैक्स लगाइए, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास जो है 100 करोड़ लोग एक तरफ और 1% लोगों के पास सारी पूंजी आप इकट्ठा करवा रहे हो मोदी सरकार, तो ये इससे तो विकास कैसे होगा। आज रोज जो है हालात ऐसे हो रहे हैं कि देश की अराजकता का माहौल हो रहा है, रोज पाकिस्तान और चाइना आग दिखा रहे हैं, सीमा पर रोज कैप्टन तक मारे जा रहे हैं। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। मेरा मतलब ये, मैं मुद्दे से हटके नहीं बात कर रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वसुंधरा सरकार को ये देखना चाहिए आम आदमी, किसान, युवा सब सड़क पर क्यों आ रहे हैं, ऐसे बजट प्रस्ताव हो जो लोगों को राहत प्रदान करें। सचिन जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम दूसरे प्रदेश, जो पड़ोसी प्रदेश है हरियाणा पंजाब से भी ज्यादा है और राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल तस्करी होकर आता है। क्यों, जब प्रदेश जो पड़ोसी प्रदेश है उनमें टैक्स कम है, सेस कम लगता है, राजस्थान में सेस ज़्यादा लगता है, क्यों नहीं राजस्थान सरकार इस सेस पर छूट देकर वो बराबरी में लाए जिससे तस्करी भी बचे और लोगों को बड़ी राहत इस सेस को छूट देने पर मिल सकती है प्रदेश की जनता को। नीरज जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, उससे पहले मैं मीना जी ने जो आरोप लगाए वो बेबुनियाद करते रहेंगे, लेकिन आपको लगता है इसको होना चाहिए। मैं चाहता हूं सचिन जी, उससे आपको भी फायदा है, जो प्रदेश की जनता को भी फायदा है, पार्टी विशेष का फायदा नहीं है। जो प्रदेश की सरकार दे सकती है तो क्यों नहीं हमारी सरकार दे सकती है, जनता को राहत मिले। जब बात आ रही है पेट्रोल और डीजल की तो बिल्कुल टीएसी मीटिंग में हमारी सारी संस्थाओं ने, मैं भी आर्थिक प्रकोष्ठ से बिलोंग करता हूँ, मैं प्रदेश का सह संयोजक हूँ और हमने भी ये मैडम को बताया है कि हम व्यापारियों मध्य गए हैं, हमने संभाग स्तरीय संवाद के सम्मेलन किए हैं जिसमें हमने व्यापारियों से उनके बारे में जो उनको कठिनाइयां आ रही है और जो उनकी इच्छाएं हैं वो भी जाहिर की है। मैं पिछले रविवार को भी जोधपुर था और जोधपुर में हमने एक मीटिंग रख के ये चीजें पता करी कि अभी एट प्रेजेंट हमें बजट में क्या क्या प्रस्ताव लाने चाहिए। उसमें हमें सबसे बड़ा प्रस्ताव जो हमने रखा है वो ये रखा है कि विलासिता की वस्तुएं जैसा कि शराब, सिगरेट, इन पे कर की दर बढ़ा के और हमें पेट्रोल डीजल में सेस के अंदर से छूट देनी चाहिए। बिल्कुल ये प्रस्ताव बाकायदा वसुंधरा सरकार के एजेंडा में है। साथ ही हमने जीएसटी काउंसिल में भी इसको ले जाने की बात रखी है कि हम जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल को जीएसटी के अंदर शामिल करने के लिए अग्रणी रहें,
हमारी सरकार हमेशा से राजस्थान सरकार इस बात के लिए रही है कि वो व्यापारियों हितों के लिए काम करती है। आप उसको देख सकते हैं, संगमरमर को अकेला राजस्थान ही था जिसने प्रोटेस्ट किया और 28% से 18% पे उसको लेके आया, तो हम उसके लिए भी कहेंगे। बिल्कुल मीना जी, पहले कुछ मैं आपको कहूँ नीरज जी, अभी इन्होंने जो बात कही मैं सहमत हूँ उस बात से, तो कि विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाकर जो है सेस को कम किया जाना चाहिए था, डीजल पेट्रोल की कीमत कम होगी, ये उनका सुझाव, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन इस इनके जो सुझाव को वित्त मंत्री के रूप में वसुंधरा जी जो प्रस्ताव रखेंगी वो मानेंगी कि नहीं मानेंगी, सवाल ये है। ये सुझाव बिल्कुल अच्छा है कि विलासिता की वस्तुओं पर आप कितना भारी टैक्स बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उनके कीमतें कम होनी चाहिए, डीजल पेट्रोल पर सेस कम होना चाहिए, ये मैं इस बात से इनकी से सहमत हूँ। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँ, किसानों के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, इन्होंने जो घोषणा पत्रों में जो वायदे किए 8 घंटे 7 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही सिंचाई, कई किसान जो है रात को सिंचाई करते टाइम कईयों ने दम तोड़ दिया, तो जो लोक लुभावन नहीं होना चाहिए, जो ये घोषणा बजट प्रस्तावों में करें बिजली की, पानी की, पानी कई देशों में कई जिलों में जो है पानी, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा, तो ये बातें जो है सरकार ये जो बजट प्रस्ताव लाए उनमें ये चीज़ देखनी चाहिए, और किसान और युवा और आम आदमी के लिए बजट प्रस्ताव होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए बजट प्रस्ताव होने चाहिए, लेकिन यदि पेट्रोल और डीजल से सेस कम होता है तो प्रदेश की जनता को बड़ी राहत मिल सकती है, वहीं व्यापारियों के लिए भी कई राहतों की आवश्यकता है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की घोषणाएं इस बजट में होने की उम्मीदें हैं, महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए कई घोषणाएं होने की उम्मीद है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पिटारा है वो सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ सौगातें लेकर आएगा, और उन सौगातों की जो उम्मीद पर ही पूरा जो है इलेक्शन भी निर्भर करेगा। चुनावी साल है, तो चुनावी साल को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने पूरे सभी वर्गों से जो मशवरा किया है, राय लिए, राय शुमारी की है, उनकी भावनाएं जानी है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ न कुछ प्रदेश की जनता को देने वाली है। आप दोनों चर्चा में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।